Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will solve and discuss the English portion of EGC test 2024. Key number one is geniality का synonym बताना है. तो इसका synonym होगा cordiality, friendliness, kindness. MCQ number two, staple food is basic food जो होता है आपका main diet. His child cajoled का मतलब होगा persuaded, कायल करना. Next में आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें सिमिलरिटी एनालॉजी का क्वेश्चन है. जिस तरह रिलेशन राइफल और गन का है, उस तरह का रिलेशन इन चार वर्ड में किस किस का है. राइफल इज़ अ टाइप ऑफ गन, तो इसी तरह पीच इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट. डी वाला करेक्ट आंसर होगा. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एंटोनिम्स है, तो इसका होगा फॉलोअर और लीडर. बी वाला. नेक्स्ट है, इंसेक्ट क्रॉलिंग करते हैं और फ्रॉग जो है वो जंपिंग करता है. डेल्टा वाला होगा. वाटर की वजह से जो बंदर डरता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और फोटोफोबिया जो लाइट से डरता है, तो सी वाला होगा. लीन और थिन सिनोनिम्स है, तो इसी तरह ये दोनों बीच सिनोनिम्स है, बाकी एंटोनिम्स है. नी इज नी और लेग, पार्ट होल रिलेशन है, एक पार्ट है एक होल, तो उसी तरह एल्बो और आर्म भी है. एल्बो इज पार्ट ऑफ द आर्म. न्यू और न्यू होमोफोन्स है, तो इसी तरह सी और सी भी होमोफोन्स है. अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ डॉक्टर रिकमेंडेशन फॉर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय गाइडलाइन डिजाइन बाय, तो अच्छा इनके मेडिकल एसोसिएशन ने जो गाइडलाइंस डेवलप की होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा. पहला वाला. ब्लैक एंड हिस्पैनिक पेशेंट गेट लेस स्पेशल केयर बिकॉज, क्यों इनको स्पेशल केयर कम मिलता है, तो इसकी रीजन. स्टडी शो दैट मेनी ऑफ दीज स्टैटिस्टिकल बेस्ड एनालिसिस आर रेशियली बायस्ड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से. तो आंसर में देखते हैं रेश, हाँ ये पहला वाला है, रेशियल बायस्डनेस पहला वाला. स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है, या इंश्योरेंस कंपनी अलाउ नहीं करती, या ये फोर ये वाले रीजंस मेंशन नहीं. यानी पैराग्राफ स्टेट दैट अ पेशेंट हैज हेल्थी किडनीज इफ दे रिलीज, तो इसका आंसर देखते हैं. अच्छा ये रहा किडनी फंक्शन और लेवल्स, मतलब अगर तो वो प्रॉपर इकोनॉमिकल यूज़ करते हैं, तो आंसर में से होगा स्पेरिंगली मीन्स इकोनॉमिकली. इन एल्गोरिथम रेज करेक्ट ब्लैक पीपल देयर फॉर दे, ब्लैक पीपल आप लोगों ने इस तरह के जब क्वेश्चंस आ जाए तो कीवर्ड को देखना है पैराग्राफ में. अब यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है रेज करेक्ट्स और एल्गोरिथम और साथ में ब्लैक पीपल दस अपीयर टू बी हेल्थियर एंड लेस लाइकली. लेस लाइकली मीन लेस प्रोबेबली टू बी रेफर्ड ए स्पेशलिस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका, हाँ नॉट रेफर्ड. लेस लाइकली मीन्स पॉसिबिलिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी नहीं होती. द पैराग्राफ ओवरऑल डिमांड्स दैट, पैराग्राफ में ओवरऑल क्या बात पूछी गई है, क्या डिमांड किया गया है. यूजुअली लास्ट में यही होता है कंक्लूजन में, तो लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. वाइल इट मे समटाइम्स बी अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड रेशियल मेडिकल डायग्नोस्टिक, द रिसर्च नीड मेनी यूज एल्गोरिथम नीड टू बी रिवाइज्ड, नीड टू बी रिवाइज, रिविजन की बात हो रही है, रिवाइज करने की बात इन्होंने की है. बाकी जो ऑप्शन है वो मैंशनड नहीं है. Should be applied everywhere वाला ऑप्शन mentioned ही नहीं है. Beyond doubt वाला ऑप्शन भी mentioned नहीं है. Bend वाला भी नहीं है. Revised, तो C वाला इसका करेक्ट आंसर होगा.
एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट है, दे सेड डेट, अब सेड से कंफर्म है तो इसके साथ सबमिट और विल सबमिट तो नहीं आ सकता, हेड के बाद सबमिटेड होना चाहिए, ये भी नहीं आ सकता, तो डेल्टा होगा वुड सबमिट। सम स्टूडेंट शोड बेटर रिजल्ट्स, हाउ एवर और देयर फोर तो नहीं आ सकती, क्योंकि इसके पहले सेमी कॉलन और उसके बाद कॉमा होना चाहिए था, अनटिल हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं या रीज़न है, रीज़न के लिए बिकॉज होता है। सम चिल्ड्रन जम्प्ड, डायनामिक प्रपोजिशन रिक्वायर्ड है क्योंकि पोजिशन चेंज हो रहा है, इन टू डायनामिक प्रपोजिशन है। द टीचर वॉज सेटिस्फाइड विद, सेटिस्फाइड के साथ प्रपोजिशन विद यूज़ होता है। डेट, डेट के बाद गिव्स, गिवन या गेव नहीं आ सकता, गिव ही आ सकता है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। 21, दे वुड हैव एस्केप्ड, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये, थर्ड कंडीशनल क्लॉज है ये वाली, तो इसके साथ आगे भी थर्ड कंडीशनल आ जाएगी, तो वो होगा हैड नोटिस्ड। शी विल एड्रेस द ऑडियंस एज सून एज शी अराइव्स, बीटा, जब कोई क्लॉज फ्यूचर में टाइम या कंडीशन को रेफर करे तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, आई विल हेल्प यू व्हेन आई गेट फ्री, व्हेन आई विल गेट फ्री नहीं होगा, नीदर के साथ कम्बिनेशन में नार यूज होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। एम्पीरियस का करेक्ट आंसर होगा मेनी इन द शोबिज इंडस्ट्री एरोगेंट, स्पोकिश होगा टेरिफाइंग डराने वाला, और इमीडिएट मीन नियर फोर्थ कमिंग, ये इंग्लिश के पोर्शन की है। 26 एमसीक्यूज़।